मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं इनके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे. ये बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और जिस तरीके से अपना काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं. तो ये 2 साल जो हमने गुजारे साहू के सेट पे बहुत ही यादगार रहे हैं. और ऐसा मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें इंटरनेशनल एक्शन टीम एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है. और जिस तरह की तैयारी उन्होंने की है, जिस लेवल का एक्शन है इस फिल्म में, जिस तरह के सीक्वेंसेस है इस फिल्म में, तो दैट्स व्हाई इट इज़ यू नो आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर. एंड अभी 30 अगस्त को पता चलेगा कि लोगों को फिल्म कितनी पसंद आ रही है. और उम्मीद है कि बहुत पसंद आए. प्रेशर तो हमेशा रहता है, हर फिल्म के पहले तो हमेशा प्रेशर रहता है क्योंकि इतना वक्त जाता है एक फिल्म को बनाने में. और वो एक ही वीकेंड में ऑडियंस एक ही कुछ 4-5 दिनों में उसका जो फेट रहता है वो तय हो जाता है. तो हम मतलब एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक ही हफ्ते में तय हो जाता है. तो और हमें ऑलमोस्ट 2 साल लगे, 2 साल से भी ज़्यादा अगर आप प्री प्रोडक्शन को भी इंक्लूड कर ले इसमें. तो डेफिनेटली बहुत बहुत नर्वस फील होता है और यही उम्मीद रहती है कि यार जल्दी से रिलीज़ हो जाए और लोगों को पसंद आ जाए बस.